हाँ ये आप पहचानो कौन? मैंने नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारी स्कूल फ्रेंड। अरे कौन, मैंने नहीं पहचाना यार। अरे तुम्हारी फ्रेंड शीतल। आप प्लीज मेरी आँख खोलो यार, हद है। कौन हो आप? ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा आप मेरे स्कूल के फ्रेंड हो। आई होप सो यू डोंट माइंड, गलती से हो गया। हाँ चलो ठीक है, होता है, आप जाइए। बाय। अजीब है यार, इन्हें यही नहीं पता चल रहा इनका दोस्त कौन है। हद है यार, ये रोशन भी कहाँ रह गया यार, पैसे देने इसे गायब भी हो गया है। यहीं पे वेट कर लेता हूँ थोड़ा। अरे मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग मेरे लिए। ओए चल जल्दी पैसे निकाल। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं आज कितना माल मिला है। हाँ सही कह रही है, जल्दी पता नहीं क्या कर रहा है। चले ठीक है, रुक। हाँ चल हो गया। ओए एक सेकंड एक सेकंड, मैंने ज्यादा मैंने की है, तूने नहीं की, 500 रुपए दे एक्स्ट्रा। ले भाई ले, हो गया। हाँ। ना चल रुक 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 रुक, उस दिन के 100 रुपए। ये भी ले, ये भी चाहिए? नहीं ये तू रख। चले। हाँ। यार ये रोशन भाई भी पता नहीं कहाँ रह गए, कब से वेट करवा रहे। हाँ भाई चल दे पैसे दे। हाँ भाई अभी देता हूँ। वॉलेट कहाँ गया यार? यार जेब में ही तो रखा था, वॉलेट कहाँ गया? वॉलेट यार भाई वॉलेट नहीं मिल रहा यार, मैंने अपनी जेब में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया क्या मतलब होता है? उसी का जमीन निकल गई या आसमान खा गया? साले एक तो तूने पहली गलती ये करी कि मुझे बुला लिया है। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप से मेरे पैसे दे दे वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे पैसे दे। चल भाई साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जेब में वॉलेट रखा हुआ था, उसमें आपको देने के लिए पैसे रखे हुए थे और गाँव भेजने के लिए भी पैसे रखे हुए थे, क्योंकि गाँव में बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन पता नहीं मेरा वॉलेट कहाँ चला गया, मैंने बड़ी सेफ्टी से रखा हुआ था। सच कह रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देख ये सब बहाने मुझे मत सुना, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए। सुन दो दिन, अगर दो दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तू जानता नहीं कितना हराम इंसान हूँ, साले काट के फेंक दूंगा। यार पैसे पता नहीं कहाँ चले गए यार, गाँव में बाबूजी को पैसे भिजवाने थे, ये वॉलेट ही खो गया, पैसे कैसे भिजवाऊं? ऐसे तो चलो कहीं से अरेंज भी कर दूंगा, लेकिन दादाजी की फोटो थी उसमें, उसका क्या होगा? अरे यार शेखर तू पैसे दे आया? अब एक काम कर, उसमें से कुछ पैसे बचे होंगे तू मेरे को दे दे, मेरे को रेंट भी भरना है। अरे यार रेंट का कहां से करें, जो पैसे थे ना वो चोरी हो गए यार, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दादाजी की एक आखिरी तस्वीर थी उसमें, वो भी चोरी हो गई। मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पैसे लाऊँ, कहाँ से तस्वीर लाऊँ, क्या करूँ यार, किस्मत ही ख़राब है मेरी। यार शेखर देख, दादाजी की तस्वीर का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तू मुझे ये बता पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर यार, वो गाँव भिजवाना बहुत ज़रूरी है। यार किससे मांगू पैसे, तुझसे पैसे मांग लिए, दो चार दोस्त और हैं उनसे ही पैसे मांग लिए, अब बचा ही कौन है जिससे पैसे मांगू भाई। यार शिखर एक काम कर, वो हमारा पड़ोसी है ना जो मयंक, उससे पैसे मांग ले, मेरे को पता है वो भला आदमी है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। सही कह रहा है यार, मयंक ने मुझसे कहा अभी तक, कभी कोई ज़रूरत हो तो मांग लियो। मैं एक काम करता हूँ उससे पैसे मांग लेता हूँ, वैसे भी मेरे बचपन का दोस्त है भाई, ज़रूर दे देगा वो पैसे। चल ठीक है तू जा, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है यार तू खाना वाना रेडी कर दे, मैं निकल पाऊँगा। चल कोई बात नहीं। ठीक है भाई ओके। अरे शेखर आजा आजा, अब बैठ। आया भाई। और सुना क्या हाल चाल है तेरे? बस बढ़िया भाई। चाय मंगाऊं? नहीं चाय भाई कुछ नहीं भाई, एक काम था तुझसे। हाँ बोल। वो भाई कुछ पैसे चाहिए थे। बस कर दी ना छोटी बात, अबे पैसे मांगना कब छोड़ेगा, कब तक पैसे मांगता रहेगा तू है?
भाई मैंने तुझसे कभी पहले से ना मांगे पैसे, आज पहली बार तो मांग रहा हूँ। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे मैं तुझसे रोज पैसे मांगता हूँ। अबे पहली बार मांग रहा है इसीलिए तो नहीं दे रहा। आज तू 20,000 मांग रहा है, कल 40,000, परसों 60 लाख करोड़। तुझे ही देता रहूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई। भाई मैंने तुझसे बोला कि 20,000 चाहिए, मैंने बोला कि पैसे चाहिए। अरे मुझे पता है तुम जैसों की औकात, थोड़ा थोड़ा करके मुंह खोल लोगे। पैसे खुद के पास होते नहीं है, फटीचर कहीं का। भाई तू तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। देख मैं तेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो हकीकत है ना वो तुझे बता रहा हूँ, जो तू असल में है, समझा? भाई मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, और देख ना तू अपने बचपन के दोस्त का ही मजाक उड़ा रहा है। बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, तू बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं बचपन का दोस्त है, सर पे चढ़ के बैठेगा है? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुझे चाय भी गलत ही पूछ ली, तुझे यहाँ बिठाया ही तो मैंने। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ मैं घर, और एक बात ध्यान रखियो, वक्त ना हर किसी का आता है। जब तेरे को कभी जरूरत होगी ना फिर देखियो, तब पता चले तेरे को इंसान को मजबूरी में क्या क्या सहना पड़ता है। हो गया प्रवचन, चल अब निकल यहाँ से। जा ही रहा हूँ। अरे जाना, फालतू में पैसे मांगने, पैसा इन्हीं के लिए रखा हो जाए से। सीरियल देखने का मजा करके रख लिया। Excuse me. Excuse me. तुम यहाँ? कहीं तुमने तो मेरा वॉलेट भी चुराया? हाँ हमने ही आपका पर्स चुराया था, और हम वही वापस लौटाने आए हैं। दादाजी थैंक्स गॉड, दादाजी की आखिरी तस्वीर मिल गई। अच्छा हम चलते हैं। एक सेकंड रुको, जब तुम्हें वॉलेट चुराना ही था तो फिर वापस क्यों लौटा रहे हो? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोग ये वॉलेट मुझे वापस लौटा रहे हो? हम अक्सर चोरियां करते हैं, और इस बार भी हमने चोरी करी और पहुंच गए अपने अड्डे पर। वहां पर हमने पैसों का हिसाब किया और पर्स को फेंक दिया। उसके बाद हम निकल पड़े मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन अचानक से शीतल की नजर पड़ी आपके पर्स से बाहर निकलते हुए पर्चे पर। चल चलते हैं। हाँ ओए रुक, ये पर्ची देखियो क्या है इसमें। मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ पढ़। तेरे को तो पता ही है मुझे पढ़ना नहीं आता। पढ़ना क्या हो गया, ला दे। बढ़ाया तीसमार खान। प्रणाम पिताजी। पिताजी प्रदेश में मैं खुश हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? वैसे सच कहूँ तो आपकी यहाँ रोज याद आती है, क्योंकि माँ बाप से दूर चाहे करोड़ों सुख सुविधा क्यों ना हो, पर जिंदगी खाली खाली ही लगती है। जब रात को ऑफिस से आता हूँ तो रोज गाँव आपको और माँ को याद करता हूँ, और आप लोगों की यादों को सोचते सोचते ही सो जाता हूँ। अच्छा पिताजी आपको एक बात बतानी थी, वो दादाजी की एक तस्वीर मिली है मुझे, मेरी अटेजी में ही थी, मैं उसे जल्द ही फ्रेम करवा लूंगा, क्योंकि दादाजी की कोई और तस्वीर हमारे पास है ही नहीं। पिताजी मैं पैसे दोस्त के हाथ भिजवा रहा हूँ, साथ ही साथ एक खत भी लिख रहा हूँ, क्योंकि आप कहते हो ना कि वो भी क्या जमाने थे जब खत आते थे, चिट्ठी का इंतजार रहता था, तो मैंने सोचा कि कॉल तो रोज होती रहती है, इस बार आपको दवाई के पैसों के साथ साथ खत भी दूंगा। अच्छा सुनिए ना, अगले महीने आ रहा हूँ मैं, दादाजी की तस्वीर भी लाऊंगा फ्रेम कराई हुई। माँ और आपको ढेर सारा प्यार। प्रणाम पिताजी, और माँ को भी मेरा प्रणाम कहना। जल्दी आएगा आपका प्यारा लाडला बच्चा। यार सुमित, इस लेटर के हिसाब से तो हमने उस बेचारे के साथ बहुत गलत किया। हम एक काम करते हैं, उस भेजने वाले ने इस पे एड्रेस तो लिखा है, हम उसके घर जाके उसको पैसे लौटा देते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? मैं तुझे रस्ते में बताती हूँ सब। चल। दरअसल पहले हम चोरी मजबूरी में करते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये हमारा शौक बन गया, और फिर हमें इस काम में मजा आने लगा, और धीरे धीरे यही काम हमारा प्रोफेशन बन गया। एक बात बताऊं आप लोगों को, चोरी करना कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि एक बहाना होता है अपनी असफलता को छुपाने का।
अगर बंदे की कोई मजबूरी है तो वो काम करे ना, मेहनत करे, मेहनत से पैसा कमाए। उस पैसे का भला क्या फायदा जो किसी के सपनों को मार कर आए। हमें तो पता ही नहीं था कि हम अनजाने में किसी का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इतने नुकसान की बात कर रहे हैं आप? अगर हम चोरी के असल नुकसान की बात करें ना, तो उस असल नुकसान की सच्चाई सुन के आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल क्या है ना, जब किसी भी इंसान की चोरी होती है तो उस वक्त सिर्फ चोरी नहीं होती है, कई बार क्या होता है कि उसके वॉलेट में कुछ ऐसी यादें होती हैं जो फिर कभी वापस लौट के नहीं आ सकती। जैसे मेरे वॉलेट में मेरे दादाजी की आखिरी तस्वीर थी, अगर वो तस्वीर गुम हो जाती तो हमारे पास उनकी कोई और तस्वीर नहीं थी। हम उनकी तस्वीर बाद में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी नहीं ला सकते थे। ऐसे ही जब किसी का फोन चोरी होता है तो उस फोन में करोड़ों अरबों यादें होती हैं जो बेशकीमती होती हैं, उनकी कीमत किसी पैसे से चुकाई जा ही नहीं सकती। और कई बार क्या होता है कि जब किसी की चोरी होती है तो उसमें जो कुछ पैसा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए रखा होता है। जैसे किसी के पिता की तबीयत के लिए रखा हो, या फिर किसी ने अपना घर लेने के लिए रखा हो। तभी तो कहते हैं एक चोरी से कई बार तो किसी का आसियाना ही उजड़ जाता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं यार, हम ना मेहनत से एक एक रुपया जोड़ते हैं, और जब हमारी चोरी होती है ना तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कितनी मेहनत से कमाया जाता है पैसा। और सोचो ना यार, कई बार बताओ क्या होता है, कई लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, और डॉक्यूमेंट बनाने में तो आप लोगों को पता ही है कितनी मेहनत लगती है। इसलिए कई बार एक चोरी मामूली चोरी नहीं होती, उस चोरी में कई बार किसी का फ्यूचर छिपा होता है, किसी की जान छिपी होती है, किसी की यादें छिपी होती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि आज के बाद कभी चोरी मत करना, प्लीज। अरे नहीं नहीं, आप क्यों हाथ जोड़ते हैं? हम हाथ जोड़ते हैं आपके, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज के बाद हम दोनों में से कोई चोरी नहीं करेगा। मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आप आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। तो यार मेरा भी एक छोटा सा डिसीजन है, आप लोगों का डिसीजन सुन के मैंने भी एक डिसीजन लिया है कि मैं आज डिनर आप लोगों के साथ करूँगा। तो अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मेरे साथ डिनर करोगे? अरे ये तो आपका बड़प्पन है, आइए बैठिए। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जब एक इंसान की चोरी होती है तो उस वक्त सिर्फ चोरी नहीं होती है, बल्कि उस चोरी के साथ साथ कई बार उस इंसान की यादें चोरी हो जाती हैं, एक ऐसी रकम चोरी हो जाती है जो उसकी जन्मों की पूंजी होती है, जिसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत की रही होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चोरी करना गलत चीज़ है, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक चोरी में कई किसी की याद छुपी होती है, किसी का सपना छुपा होता है, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं यार, ये तो बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ पाते हैं, तो इनके लिए तो अगर छोटी सी भी चोरी हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पांव तले ज़मीन खिसक गई। इसलिए अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का मैसेज आगे तक फैलाएं, और कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ खास लगा वीडियो में जो और वीडियो से अलग लगा, और अगर कुछ गलती हो तो वो भी बताएं। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।